महंगाई की वजह से लोगों के सर चकरा गए हैं। इस महंगाई में लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ सिंध की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। मगर अभी हम आपको लेकर चलते हैं सखर, जहाँ पे आईवी टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कोई शादी में लोग आ रहे हैं, ये शादी में नहीं, ये खवातीन और मर्द नौकरी के चक्कर में आए हुए हैं। हालांकि अभी इनको कोई आर्डर वार्डर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ इनके आईवी टेस्ट ले रहे हैं। और जब हुकूमत सिंध की तरफ से आर्डर होगा कि हमारे पास नौकरियां हैं और जो लोग अहल हैं उनको नौकरियां दिए जाएं, तो ये आईबी टेस्ट वाले वो काम करेंगे, जो नौजवान लड़के और लड़कियों को जिनके टेस्ट हो चुके होंगे उनको आर्डर देंगे। इंटर लेवल जो मेट्रिकुलेशन जो उनमें टोटल 11 लाख कैंडिडेट्स हैं। आईबी यूनिवर्सिटी सिबा टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए सिंध गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है 5-15 जी रिक्रूटमेंट जो टोटल त 272,000 कैंडिडेट्स से वेहन था। इन टे फेजिज आन ये पर्यो फेज आ जैमें ग्रेजुएशन जिनकी बैचलर्स थियल है उन्होंने अलाउ किया, बी फेज में वो इंटरमीडिएट, टी फेज में मेट्रिकुलेशन वन टेस्ट कई वी। नव सेंटर आन अस पूरे सिंध में। मगर नाजरीन एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में लाउड स्पीकर है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई ओरिजिनल शनासी कार्ड और टोकन अपने हाथ में रखे वरना आपको अंदर आने नहीं देगा। दौरान मोबाइल फोन टेस्ट में एंट्री ममनुआ, असल NIC स्लिप हथ में, फुटपाथ जो इस्तेमाल किया लाइन में जो भाईजान लाइन में जो असल NIC स्लिप हथ में वरी गाल में ओरिजिनल कार्ड और स्लिप यहाँ पे एक ऐसा भी जोड़ा मिला जिनका कहना था हम टेस्ट देने आए और अपना फ्यूचर सिक्योर करने आए, मगर इनको ये पता नहीं है कि सिर्फ ये टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई आर्डर वार्डर नहीं मिलने वाले। हुकूमत सिंध को चाहिए कि जो अहल है उनको फौरी आर्डर दिए जाए और इनकी परेशानियाँ ख़त्म करें। बहुत लोगों की शिकायत थी कि हमारे कार्ड NIC कार्ड गुम हो चुके हैं, मगर हम नादरा से टोकन लेके आए हैं, फिर भी हमें नहीं छोड़ा जा रहा। आईबी इंतजामिया से गुजारिश थी कि हमारे इंटरव्यू लिए जाएं, मगर उनकी ना थी। सखर में इसका पहला मरहला शुरू हो चुका है और इसके बाकी मजीद मरहले शुरू होने वाले हैं। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।